संयोजक अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद के के नगर की कॉलोनी में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ एक ऑटो वाले के घर अरविंद केजरीवाल रात्रि भोज के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो समर्थक हैं और कॉलोनी के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त विक्रम नाम के ऑटो ड्राइवर जो हैं उनके घर रात्रि भोज के लिए पहुंचे और उनके साथ आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता ईशुदान और गोपाल इटालिया दोनों हैं जो इस वक्त घर के अंदर जा रहे हैं। दरअसल आज सुबह ऑटो वालों के साथ अरविंद केजरीवाल का संवाद था और वहां एक विक्रम नाम के ऑटो रिक्शा वाले ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया और अरविंद केजरीवाल ने इसको स्वीकार किया। और शाम होते होते अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस वक्त के नगर की जो कॉलोनी है वहाँ पहुँचे हैं, रिक्शे वाले के घर खाना खाने के लिए पहुँचे हैं, रात्रि भोज के लिए पहुँचे हैं। दरअसल एक इस पूरे आज के जो रात्रि भोज है इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है कि ये जो इलाका है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की ये विधानसभा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, एक साथ राजनीति भी साधने की कोशिश हो रही है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो इस बात का बयां कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीधी चुनौती जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को देना चाहती है और यही वजह है कि आज ये तस्वीर जो है ये देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार कैंपेन जो है वो आम आदमी पार्टी का अब अहमदाबाद में दो दिन चलेगा। आज कई सारे अलग अलग चाहे वो लॉयर्स हों या ऑटो ड्राइवर्स हों और जिस तरह के जो अलग अलग ग्रुप है उसके साथ अरविंद केजरीवाल जो है वो संवाद कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस तरह की तस्वीरें हमने दिल्ली और पंजाब में देखी और ऑटो रिक्शा वाले के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का पुराना नाता है और वही प्यार जो है वो आज दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के ऑटो वालों ने प्यार दिया और आज गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार दे रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रतीश के साथ अमित पांडे, News24।